दोस्तों हर ड्रामा में हमें हीरो के साथ विलेन देखने को मिलते हैं। जाहिर है हमें हीरो ही पसंद आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विलेन होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं और हमें अपना दीवाना बना देते हैं। द रिलीज अर्तुरुल ड्रामा सीरियल में ऐसे कई विलेन्स को दिखाया गया है जिसे हम भूल नहीं सकते, लेकिन अगर विलेन रियल हिस्ट्री से जुड़ा हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उन्हीं विलेन्स में से सबसे ज्यादा जिस किरदार को जनता ने प्यार और साथ ही नफरत दिया है वो है सादितीन कोपेक का किरदार। सादितीन कोपेक कौन था? वो सच में इतना ताकतवर था जितना अर्तुरुल ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है? क्या वो सेल्जूक सल्तनत का सुल्तान बन सकता था? और इस बात में कितनी सच्चाई थी जिसमें वो कहता था कि वो सेल्जूक सल्तनत का शहजादा है? दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सादितीन कोपेक की असली सच्चाई, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सादितीन कोपेक सेल्जूक सल्तनत का अमीर था। इसके अंदर कई इलाके आते थे। इन्होंने कई जंगों में जीत हासिल की और बहुत सारी किलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों इन सब के पीछे सेल्जूक सल्तनत की वफादारी नहीं थी, बल्कि सादितीन कोपेक खुद एक सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा था। जब अरसलान अव्वल के बाद सुल्तान अलाउद्दीन सेल्जूक सल्तनत के सुल्तान बने तो अमीर सादितीन उनके बहुत करीब आ गया और रियासत के अहम मामलों की बागडोर अपने हाथों में ले ली। सादितीन कोपेक रियासत का एक चालाक और गद्दार अमीर था। उसने कई बार मंगोलों का साथ भी दिया और खुफिया बातों को उन्हें बताया। इतिहास में दर्ज है कि सुल्तान अलाउद्दीन को भी सादितीन कोपेक ने जहर दिलवाकर सुल्तान अलाउद्दीन को मरवा दिया था। इतना ही नहीं, शहजादा कलीज अरसलान और उसकी माँ को भी सादितीन कोपेक ने कत्ल करवा दिया था। सुल्तान बनने के लालच में सादितीन कोपेक ने बहुत से कत्ल करवाए, लेकिन हर गुनाह एक दिन अपने अंजाम को पहुँच जाता है। ड्रामा सीरियल अर्तुरुल के हीरो अर्तुरुल गाजी ने सादितीन कोपेक का सर अपनी तलवार से उड़ा दिया था। इस चालाक और गद्दार का अंत यहीं पे हो जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।